हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ रो एलिमेंट, SPDF कॉन्फ़िगरेशन, या इसे सबशेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब फोर्थ रो एलिमेंट कौन से? द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 19 टू कहा 36, दे आर नोन एज फोर्थ रो एलिमेंट। कहां से स्टार्ट होते थे? तो पोटेशियम से स्टार्ट हो रहे, और कहां तक? तो क्रिप्टॉन तक। ये सब कौन से? तो फोर्थ रो एलिमेंट है। अब फोर्थ रो एलिमेंट है, इसका मतलब उनको चार ही शेल है। चार शेल है तो न्यूक्लियस से जो नजदीक शेल है वो के शेल है, बाद में एल है, एम है, एंड सो ऑन। ऐसे शेल है, न्यूक्लियस से जो नजदीक के शेल है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद कौन सा है? तो 8 है। उसके बाद कौन सा है? तो 18 है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2n² है। अब यहां ये के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से इनकी एनर्जी बहुत ही कम है, और जिसकी एनर्जी कम रहती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एनर्जी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इंक्रीजेस। इसका मतलब है, हम शेल के बारे में अगर डिस्कस किए तो के शेल की एनर्जी कम है किससे? तो यल शेल से। यल की कम है किससे? तो यम है। यम से किसी ज्यादा है यहां, तो यन शेल की एनर्जी ज्यादा है। ये हुआ शेल के बारे में ऑर्डर। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब कोई बोलेगा सर इसको हमारे ध्यान में नहीं आ रहा ये, चलो इसके लिए मैं सिंपल बात बताता हूं। देखिए पाप हर सुबह बढ़ा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मुझे बात बताइए, उम्र अगर बढ़ते गई तो मुझे बात बताओ, हमारा जो वर्क करने की टेंडेंसी, हमारी जो वर्क करने की टेंडेंसी वो कम होते जाती है। इसका मतलब है हमारी एनर्जी कम होते गई, हमारा मूवमेंट कम होते जाता है। इसका मतलब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एनर्जी कम होते जाती है, एनर्जी कम होते गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। आए ध्यान में, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जस जस वय वाढ़त गेल, वय वाढ़ कि अपन काम, तो सर आम हालचाल कमी झाली ना, हालचाल कमी झाली म्हणजे स्टेबिलिटी वाढली। सिंपल है, म्हणून स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये यहां, ये हुआ शेल के बारे में। चलो हम सब शेल के बारे में देखेंगे। शेल के अंदर क्या रहता है? तो सब शेल। सब शेल में क्या रहता है? तो ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस यहां जो ज्यादा है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा, उसका नाम क्या है? तो ऑर्बिटल है। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं एग्जाम्पल से देता हूं। क्या एग्जाम्पल है? सर टाकलकर सर है, कहाँ रहते? तो परभनी में रहते हैं। परभनी, ये क्या हुआ? शेल है। परभनी में कहाँ रहते? तो देश मॉडल के पास, वो हुआ सब शेल। वहाँ कहाँ? तो विकास नगर, वो हुआ ऑर्बिटल। आया ध्यान में? तो ये हुआ, हमने क्या कर दिए, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का हमने एड्रेस फाइंड आउट किए। चले आगे। अब शेल के बारे में तो ये ऑर्डर हुआ, सब शेल के बारे में ऑर्डर ध्यान में रखिए, यस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद कौन सा? तो एफ। तो यस से पी की एनर्जी ज्यादा, पी से डी की, डी से एफ सब शेल की एनर्जी ज्यादा है। SPDF जो आज हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखने का, SPDF कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये ऑर्डर है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 10 है, यहां 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हुआ यहां। चले आगे। और एक बात सर, यस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, यस। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, PX, PY, PZ। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल है, उसका शेप डबल डंबल शेप है। यफ सब शेल 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल यफ में, जी को, जी को तो जरूरत ही नहीं हमको। चले आगे। तो ये हुआ SPDF।
यस पी डी एफ में ऑर्डर क्या है? यस ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। यस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, पी की 6 है, डी की 10 है और एफ की 10 इलेक्ट्रॉन्स है। शेल सब शेल, अब सब शेल के अंदर कौन है? तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल है, उनकी भी एनर्जी सेम है। हुआ क्लियर? आज हम स्टार्ट करने वाले कौन सा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी एफ फोर्थ रो के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताइए, हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ऑर्गन से जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो 2.8.8 है। ये हुआ शेल का कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मुझे क्या चाहिए? तो सब शेल चाहिए। अब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, यस। सेकंड में 2 है, यस एंड पी। थर्ड में 3 है, यस पी डी। फोर्थ में यस पी डी एफ सब शेल। अब यहां देखिए, 3 ही शेल है। चलो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, कौन सा? यस। सेकंड में 2 है, यस एंड पी। थर्ड में कितने? 3 है, 3s, 3p और ये क्या है? 3d। चले आगे, ये हुआ तुम्हारा शेल सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब हर एक शेल में जाने के बाद पहला कौन सा आता है? तो यस सब शेल है। फर्स्ट में पहला यस है, सेकंड में पहला यस है, थर्ड में पहला यस है, फोर्थ में भी पहला कौन सा है? तो यस है। अब हमको इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करने का है। हमने अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर पूछा कि आप कहां रहते हो, तो ये क्या बोलता है? सर मैं फर्स्ट शेल में यहां यस सब शेल में रहता हूं। ये 8 इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस है? ये 2 यस में यहां रहते और बचे वाले कहां? तो पी में। चलेगा थर्ड में, थर्ड में हम जाने के बाद मुझे बात बताई, यहां पहला कौन सा आ रहा है? तो यस है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे वाले 6 कहां जाने वाले? तो पी में हो गए। यहां तो आर्गन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर हुआ? यह हुआ तुम्हारा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हुआ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पूरा पीरियोडिक टेबल ही कैसा बनाया वाला है? लास्ट शेल में कितने चाहिए? 8 है। पीरियोडिक टेबल का रूल ही है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव मोर देन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल है, इसलिए 8 से ऊपर नहीं आते कभी। अब हम फोर्थ में आते, चलिए यहां फोर्थ में पहला आता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर क्या है? 19 है। उसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे बात बताइए, 2.8.9 या 2.8.8.1 है? सर पोटेशियम फोर्थ रो में है तो उसको 4 शेल है, यस वो सही है। ये सही है, ये क्यों नहीं है, ये गलत क्यों है? आप बोलेंगे सर लास्ट शेल में 8 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये नहीं आता, यस वो भी सही है। हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो लिए वाला है, ये जो एक्सेप्ट किए वाला है, किस बेस पे? जरा अच्छी तरह ध्यान दो, ये पूरे जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे एक बेस पे डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर बेस्ड ऑन एक रूल पे डिपेंड है। वो रूल का नाम क्या है? तो एन प्लस एल रूल पे डिपेंड है। अब हम यहां एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों नहीं होता और ये क्यों हमने एक्सेप्ट किए वाला है, उसका रीजन हम बताएंगे। अब ये एन प्लस रूल जो है, ये एन प्लस जो रूल है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए अबो प्रिंसिपल। यहां ध्यान दीजिए, ये अबो प्रिंसिपल, ये अबो प्रिंसिपल का एक पार्ट है। अबो प्रिंसिपल क्या है? अबो प्रिंसिपल का मतलब हमको पता है, एक जर्मन वर्ड है। अबो प्रिंसिपल एक क्या है? तो बिल्डिंग अप है। जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कहां से? नीचे से कहां ब्रिक्स लगाते हैं? ऊपर है। इसका मतलब है जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो कहां? सब शेल में, तो पहले लोअर में फिलअप करो, बाद में हाइयर में चले जाओ। ये अबो प्रिंसिपल कहता है। अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉन पहले किस में दो, किसको दो? जिस शेल की, जिस सब शेल की एनर्जी क्या है? कम है।
या वो प्रिंसिपल कहता है। चले आगे, चलो हम एग्जांपल से दे सकते हैं। यहाँ मुझे बात बताओ, इसका मतलब है बिल्डिंग अ प्रिंसिपल है। तो चलो यहाँ मेरे पास तीन ब्रिक्स है, एक, ये दो और ये तीन है। इससे इसकी हाइट ज़्यादा, इससे इसकी हाइट ज़्यादा है। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एम जी एच है। तीनों का मास सेम है, जी तो कांस्टेंट है, रहा कौन सा हाइट। आप मुझे बताओ क्या बढ़ते गई, हाइट बढ़ते गई, इससे इसकी हाइट ज़्यादा, इससे इसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, एनर्जी गोज ऑन क्या है, इंक्रीजिंग है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अब वो प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ दो, लोअर में दो, बाद में कहाँ दो, हायर में दो, ये फॉर्म में। चले आगे, अब एन प्लस एल रूल क्या है, एन प्लस एल रूल क्या कहता है, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। यहां हम एन बराबर यहां लिखते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। एन बोले तो क्या आ रहा तुम्हारा, नंबर ऑफ शेल। हमने शेल को नंबर दे दिया, एक दो तीन, ये चार नंबर दे दिए। एल बोले तो क्या है, नंबर ऑफ क्या है, सब शेल, सब शेल। हमने सब शेल को भी नंबर, ये आगे डिटेल क्वांटम नंबर में आने वाला है। चले आगे, चलो यहां ध्यान दो, फर्द हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेते हैं, यस सब शेल के लिए, यस सब शेल के लिए हम यल की जो वैल्यू है, यल की जो वैल्यू है, यहां यल इज इक्वल टू जीरो लेते किसके लिए, तो फॉर यस सब शेल के लिए। यहां किसके लिए, यस पी के लिए यल इज इक्वल टू वन, D के लिए L इज इक्वल टू टू, एंड F के लिए L इज इक्वल टू कितना, तीन। हमने नंबर दे दिए, कैसा, यस सब शेल बोले तो जीरो, P वन, D टू, F। ये क्या इंडिकेट करता है, सब शेल। ये क्या इंडिकेट करता है, शेल है। अब ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। आप ध्यान दीजिए, यहां एन प्लस एल रूल, ये रूल। अब देखिए यहां 2.8.9, इसका मतलब इसको तीन शेल है, तीन शेल है, तो इसका मतलब यहां एन इज इक्वल टू कितना है, तो थ्री है, है? अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लिए, तो मुझे बात बता इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, ये इसका, तो हम लिखेंगे सर ये वन यस टू, ये चलेगा, ये सेकंड में, सेकंड में तो दो ही सब शेल है, टू यस, ये यस में दो चले गए, पी में कितने, सिक्स है, बचे वाले। अब थर्ड में जाने के बाद थ्री यस, थ्री पी, और कौन सा है, थ्री डी। अब तीन, नौ में से पहले दो कहाँ चले गए, यस में, बाद में कितने, पी में, और ये कहाँ, डी में। आप बताइए यहां ये 3D है, इसका मतलब है हमारा L के लिए D का वैल्यू क्या था, S के लिए जीरो, L मुझे L बोले तो क्या आ रहा है, L बोले तो नंबर ऑफ सब शेल, हमने नंबर दिए, S को जीरो, P को एक, D को दो, तो यहां आ गया दो। तो मुझे बात बताइए ये दोनों का अगर एडिशन किए तो कितना आ रहा, फाइव। तो ये केस के लिए कितना आ रहा, तो तुम्हारा फाइव है। चलिए यहां हम लेते 2.8.8.1, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लेते। चलो यहां देखिए ये 1s2 है फर्स्ट, सेकंड में जाने के बाद ये 2s, ये 2p, थर्ड में जाने के बाद ये 3s, ये 3p, बराबर है यहां, और ये फोर्थ में जाने के बाद। तो मुझे बात बता, 3s2, 3p6, और ये 4s1। चलो n प्लस l यल रूल देखेंगे, ये केस में एन इज इक्वल टू कितना है, फोर है, यस एल की वैल्यू कितना, जीरो है, एल का वैल्यू कितना है, जीरो है। आप दोनों का एडिशन किए तो कितना आ रहा, फोर।
इसका मतलब है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल है, तो मुझे बात बताओ इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, यहां एनर्जी कम है और यहां एनर्जी क्या है ज्यादा है, तो मुझे बात बताओ अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले इलेक्ट्रॉन किसको दो, पहले इलेक्ट्रॉन किसको दो, तो जिसकी एनर्जी कम है, तो मुझे बात बताओ 3D या 4S की, इनका एडिशन किए तो 4 आ रहा है, इनका एडिशन किए तो 5 आ रहा है, इसलिए हम 3D नहीं लेते, क्या लेते, 4S 1 लेते। चले आगे, इसका डिटेल आगे क्वांटम नंबर में है, ठीक है। तो हमने क्या एक्सेप्ट कर दिया, ये एक्सेप्ट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। रीजन ये 8 से ज्यादा नहीं, सॉरी रूल ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। रीजन क्या है, एन प्लस एल रूल है, और एन प्लस एल किस पे डिपेंड है, अबो प्रिंसिपल पे डिपेंड है। अबो प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन किसको दो, जिस शेल की एनर्जी क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन किसको दो पहले, जिसमें जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। चले आगे, अब ये हुआ हमारा पोटेशियम के बारे में। तो हमने पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दी यहां, सर ये पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8.1 है। अब इतना पूरा अगर लिख दिए तो मुझे बात बता क्या आने वाला है, ऑर्गन। तो हमने ये 2.8.8 को लिख दी यहां ऑर्गन, ये ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या आने वाला है, तो 4S 1। फोर्थ में जाने के बाद पहला कौन सा, तो यस सबशेल है, ठीक है। चले आगे, अब पोटेशियम के बाद कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना है, तो 20 है, अगेन यस ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8.1 है, सॉरी 2.8.8.2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, यहां ये ऑर्गन और ये 4S2। अब स्कैंडियम से जिंक तक जो भी एलिमेंट, इतने एलिमेंट जो है, ये 10 एलिमेंट जो है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, तो लास्ट बट वन शेल में एंटर होता है, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो इनको सबको 4 शेल है, शेल तो 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां आने वाला है, थर्ड शेल में, थर्ड में कहां, डी में आने वाला है, तो इसलिए हम ये सीरीज को नाम क्या देते, तो 3D सीरीज नाम देते। हुआ, तो फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक दिया, ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एंड दिस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नोन एज 3D सीरीज। चले अब यहां देखिए, यहां ये स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, 2.8.9.2। अब 2.8.8+1 लिखो या 2.8.9+8+1 लिखो, 8+2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी लिखो, 2.8.9.2 या 2.8.8+1.2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको तो सबशेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, SPDF चाहिए, इसलिए हमने उसको ये बना दिया। आप बोलेंगे सर ये क्यों है, अब देखो कितना इजी है, ध्यान दीजिए, 2.8.8 कौन आ रहा, ऑर्गन, चलो हमने लिख दिया यहां ये ऑर्गन। चले आगे, अब यहां तक आ गए, अब मुझे बात बताओ ये जो है ये 9 है, तो ये आगे क्या आने वाला है, 3D 1, और ये आया क्या, 4S 2। कोई बोलेगा सर कहा कैसे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, लास्ट बट वन में एंटर हो रहा है, लास्ट बट वन में कहां, डी में हो रहा है, इसलिए स्कैंडियम इज ए 3D सीरीज। कौन सा एलिमेंट है, 3D सीरीज एलिमेंट, ये सब 3D सीरीज। चले आगे, अब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, हमको उसको रिप्रेजेंट करने का है, कैसे रिप्रेजेंट करते, तो हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते, चलो हमने यहां बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, ये बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 4S2 में, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है।
डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, उनका शेप कैसा है, तो डबल डंबल शेप है। कैसे है? यहां ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये देखो, ये एक्स वाई, पहला ऑर्बिटल डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, बाद में डी जेड एक्स, डबल डंबल शेप है, ये 3 डायमेंशनल है। यहां डी वाई जेड, किसी को भी वाई जेड दो, ये के जेड एक्स, ये जेड एक्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, बाद में डी एक्स टू वाई टू या डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी चलता है। ये एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, डबल डंबल शेप, ये 3 डायमेंशनल में। अब लास्ट डी जेड टू, ये ऑर्बिटल है, यहां ये जेड है, जेड एक्सिस, और यहां इसमें ये 2 है। अब ये 5 ऑर्बिटल के तरफ देखे तो 5 में से 3 ऐसे ऑर्बिटल है जो नॉन एक्सियल है। ये देखो, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिट है, नॉन एक्सियल, और ये जो 2 है वो एक्सियल है 5 में से। ये हमने यहां रिप्रेजेंट किए, ये बॉक्स से रिप्रेजेंट किए वाले, यस में तो एक ही ऑर्बिटल है, ये बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चले आगे। अब स्कैंडियम के बाद कौन सा ऑर्बिटल है यहां, स्कैंडियम के बाद कौन सा है एलिमेंट है, टिटानियम। एटॉमिक नंबर कितना, तो 22 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, 2.8, आप 10.2 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 8+2 लिखता हूं। अब अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन, मुझे बात बताए 2.8.8 क्या आने वाला है, आर्गन, ये हुआ यहां आर्गन हुआ। आप बोलिए इसको क्या लिखने वाले, अब इसको क्या आने वाला है, ये 3D क्या आने वाला है, 2, और यहां क्या आने वाला है, 4s2। डी में 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 4s का एक ऑर्बिटल। अब डी में 5 ऑर्बिटल है तो हम भरते समय कैसा भर रहे, तो सिंगलली फिलअप कर रहे, ये एक और ये एक। यहां एक रूल आता है, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है, जब ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो तो पहले सिंगलली फिलअप करो, बाद में उसका पेयरिंग करो। आया ध्यान में, तो यहां हमने पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चालू कर दे, ये हुआ हंट्स रूल। ऑर्बिटल में तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये हमारा हुआ कौन सा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो ऑर्बिटल कंटेन्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हुआ। तो यहां देखिए, स्कैंडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी में, टिटानियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम के, टिटानियम के बाद कौन आ रहा है, अब देखिए यहां कौन है, वेनाडियम, ये वेनाडियम। एटॉमिक नंबर कितना है, 23। कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+ कितना, 3.2, 8+1, 8+2 और ये क्या आने वाला, 8+3, 11 लिखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको सबशेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसलिए हमने लिखे वो। आप बोलो इसको क्या लिखेंगे, तीनों को क्या लिखने वाले आप, आर्गन। ये क्या आने वाला है, 3D3, ये 3D3, 3D3 और ये आगे 4S2। डी में 3 है, भरते समय तीनों भी सिंगल है, हो वेनाडियम। स्कैंडियम के बाद टिटानियम, टिटानियम के बाद कौन है, वेनाडियम। वेनाडियम के बाद कौन आ रहा है, तो क्रोमियम है, 24। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2.8.8+5.1। यहां क्या आने वाला है, ये हुआ आर्गन, ये 3D5 और ये 4S1, 3D5 4S1।
आप भरते समय इलेक्ट्रॉन हम सिंगलली फिलअप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। अब कोई सोचेगा सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 8 प्लस 4 का आना चाहिए था, 8+4.2 आना चाहिए था, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 8+5 क्यों आया, उसके डी में 5 क्यों है, उसका रीजन ध्यान दो। हमने 5 इसलिए की क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। तो डी में 4 है या डी में 5 है, तो 5 जब आते तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहता है, तो स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल कैसे होता है, तो डी में जैसे 5 आ गए वो स्टेबल है। इसका मतलब है जब डी में यहां 4 है, 4 से हम जैसे 5 कर दिए, तो यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जैसे ज्यादा रिलीज हुई तो स्टेबिलिटी क्या आती है, ज्यादा, जिसे हम बोलते एक्सचेंज एनर्जी। यह आया वेनाडियम से, क्या आया, क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद कौन है, मैग्नीज 25। अब ऐसा कंटिन्यू, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको छोड़ दिया, 8+3 है, मान लो इसको 8+4 है, तो आगे क्या आने वाला, 8+5 2.8.8+5.2। यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, ये ऑर्गन, आगे क्या आने वाला है 3D, कितना 5, 1, 2, 3, 4, ये 5, और यहां दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s2 और ये 3d5 हुए। यहां यमेन के बाद मुझे बात बताओ आयरन है, आयरन एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+6.2 है। अब हमने ऐसा भरना चालू कर दिया, ये आर्गन, ये 3d कितना 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पेयरिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, और यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 चले आगे। मुझे बात बताइए, अगर ये 8+6 है 14 है यहां, तो मुझे बात बताइए आयरन के बाद कौन है, तो कोबाल्ट है, चलो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+7.2 क्या आने वाला है, 3d7 4s2 है, 3d7 4s2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसा है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहां, और ये 4s2 कोबाल्ट के बाद कौन आ रहा है, निकेल, एटॉमिक नंबर कितना 28, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+8.2 है, भर सकते हैं आप। चलो मुझे बात बताइए यहां, अब कोबाल्ट के बाद, यहां कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, निकेल के बाद कौन है, तो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, 2.8.8+10.1 अगेन वही रूल यहां है, टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कब रहता है, जब डी में अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है या डी में हाफ फील्ड अगर है, इसलिए हमने पहले केस में देखा यहां हाफ फील्ड है, पूरे के पूरे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहां डी में कितने हैं, 10 है, ये कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, आर्गन 3d10 और ये 4s कितना 1। चले आगे, कॉपर के बाद मुझे बात बताइए यहां कौन है, तो जिंक के एटॉमिक नंबर 30 है, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+10.2 है, क्या लिखेंगे आप, ये ऑर्गन लिख दिया यहां, ये चले गए 3, इसी को क्या लिखेंगे 3d10 और ये क्या आने वाला है 4s2 हुआ क्लियर। अब स्कैंडियम से जिंक तक तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट खत्म हुआ, अब पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक कहां है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टॉन है। अब पी ब्लॉक में जैसे जाते हैं, मुझे बात बताइए पहला गैलियम एटॉमिक नंबर 31 है, तो ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, 13
13 ग्रुप है, इसका मतलब है लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 14 है लास्ट में 4 है, मैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 15 है लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 16 है तो 6 है, 17 है तो 7 है, 18 है तो 8 है, 19 है तो नहीं आया, नहीं आया नहीं। अब यहां ये तो पूरा फुलफिल हुआ, चलो 2.8, इसी को मैं लिखता हूं 18.3। यहां क्या आने वाला है, ये ऑर्गन हुआ, ये ऑर्गन आगे 3d10, ये क्लियर हुआ यहां। चलो ऐसा भी लिखेंगे, चलो फिर ध्यान में आएगा, 8+10.3, 2.8.8 ऑर्गन, ये 3d10। अब इसको फोर्थ में जाने के बाद पहला यस है, 2 चले गए, यस के बाद पी 4p1, इसलिए गैलियम इसे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल। अब गैलियम के बाद कौन है, जर्मेनियम, एटॉमिक नंबर 32 है, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+10.4 है, तो यहां क्या आने वाला है, ये आर्गन 3d10 4s2 4p2। देखिए यहां लास्ट शेल में फोर्थ शेल में पहला यस है, बाद में पी है, यस में 2 पी में 2। अब गैलियम के बाद जर्मेनियम के बाद कौन है, हमारा आर्सेनिक है, कितना है 33 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+10.5 है, चले उसके बाद कौन है, सेलेनियम कितना 34 है, 2.8.8+10.6 है, उसके बाद मेरे ख्याल से ब्रोमीन है, कितना आने वाला है 2.8.8+10.7 है, उसके बाद क्रिप्टॉन है 36 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8+10.8 है, आ गए लास्ट में 8, वही रूल है, आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, पूरे आ गए। तो कोई बोलेगा सर ध्यान में कैसा रखने का, 13 से आगे चले जाओ पी में, 13 है तो लास्ट में 3 है, आगे कंटिन्यू ऐसा करते जाओ, 18 तक करो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा रूल भी होगा यहां क्लियर, आए ध्यान में। तो यहां खाली स्कैंडियम से जिंक तक ध्यान में रखिए, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, तो लास्ट बट वन शेल में होता है, 4 शेल है उनको, 4 शेल है, लेकिन एंटर कहां होता है, तो पेनल्टीमेट में, लास्ट बट वन पेनल्टीमेट में, कहां डी में, इसलिए हम उसको 3D सीरीज नाम देते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नोन एज 3D सीरीज। हुआ यहां क्लियर, आया बेटा ध्यान में, अगर नहीं ध्यान में आया तो भी आप मुझे बात कर सकते, मुझे कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।